उमड़ों की भीड़ को देखकर उन्हें बॉर्डर में रोककर थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है। जिला प्रशासन सभी के लिए खाने पीने की सामग्री मुहैया करवा रहा है और साथ ही उन्हें बस और ट्रकों के माध्यम से उनके घर भेजने में लगा हुआ है। भीड़ को देखते हुए DMSP ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। अपनी हम इच्छा के अनुसार आए हैं वहाँ से, क्योंकि यह हमारे अकेले मम्मी पापा रहते हैं। इस चक्कर से हमने सोचा कि अपने मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे, जो कुछ होगा अच्छा बुरा मम्मी पापा के साथ ही होगा, इसलिए हम वहाँ से दिल्ली से रवाना हो गए, अपने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गए। हमारी 9 टीमें जो है एक्टिव हैं, जो कि जनपद के विभिन्न बस प्रमुख स्थानों पर, बस स्टॉप पर जहाँ की यात्री उतरने की संभावना है वहाँ पर लगी हुई हैं। टीम में राजस्व, पुलिस और डॉक्टर्स को तैनात किया गया है, जो कि उनकी इनिशियल जांच भी कर रहे हैं। ये जिला अस्पताल का सेंटर खोला गया है, जहां पर कि डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी स्क्रीनिंग कर रही है कि कहीं कोई बीमार तो नहीं, और उनको जो खाद्य सामग्री वितरण की है, तो ड्राई फूड्स के रूप में जो हम लोग जो है लैया चना या फिर जो है पैकेट्स में सब्जी पूरी, इस तरह के पैकेट्स विभिन्न स्वयंसेवी संगठन आगे आए हुए हैं, उनके माध्यम से हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी करा रहे हैं और लगातार ये क्रम जारी है। और यह वक्त